बात कर लेते हैं महाराज यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की। ग्वालियर सीट पर इस बार मुकाबला कड़ा होने वाला है और ये कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना श्योपुर की जो लोकसभा सीट है उसकी जगह ग्वालियर से ताल ठोकेंगे। ग्वालियर से 25 साल के बाद सिंधिया परिवार को कोई सदस्य जो है परिवार का चुनाव लड़ेगा। आखिर क्यों सिंधिया ग्वालियर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। ग्वालियर लोकसभा सीट देश की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है। ये सीट सिंधिया परिवार का गढ़ रही है। 1998 में माधवराव सिंधिया ने यहां से आखिरी बार चुनाव लड़ा था, जिसके बाद 1999 से लेकर 2019 तक 20 सालों में माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते आए हैं। लेकिन 2019 में हार के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुना सीट से मोह कम हुआ है और यही वजह है कि अब सिंधिया ग्वालियर लोकसभा सीट से चुनावी तैयारी कर रहे हैं। बीते 3 सालों में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में 10,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य कराए हैं। पीएम मोदी भी ग्वालियर जाकर उनकी तारीफ कर चुके हैं, तो वहीं अमित शाह, जेपी नड्डा भी जय विलास पैलेस पहुंचे हुए हैं। अब न्यू एयरपोर्ट के लोकार्पण में पीएम मोदी को बुलाने की भी तैयारी हो रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी मजबूत हुई है, जबकि कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। सिंधिया ने कई पूर्व विधायकों और पार्षदों को बीजेपी में शामिल कराया है। बीजेपी का कहना है कि पार्टी जिसे भी मैदान में उतारेगी उसके लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भले ही सिंधिया ग्वालियर सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उनके खिलाफ मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर काम के लिए कार्यकर्ता और हर कार्यकर्ता के लिए काम, तो इस आधार पर टिकट वितरण भी होता है और संगठनात्मक दायित्व भी देते हैं। तो ऐसे में शीर्ष नेतृत्व जिस कार्यकर्ता या नेता के नाम पर राज्यसभा टिकट के लिए मोहर लगाएगा वो राज्यसभा जाएगा, बाकी सब संगठनात्मक कार्य करेंगे। ऐसा सुनने में आ रहा है कि आदरणीय सिंधिया जी ग्वालियर से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं। लोकतंत्र है, कहीं से भी लड़ सकते हैं, लेकिन ग्वालियर से भारतीय जनता पार्टी के ऑलरेडी सांसद सेजवलकर जी हैं, गुना शिवपुरी से केपी यादव जी हैं, तो उनका टिकट किस आधार पर काटा जाएगा अभी ये जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन पिछला चुनाव जिसे वो अपना ड्राइवर कहते थे उससे हार चुके हैं, इसलिए वो ग्वालियर से लड़ें या गुना शिवपुरी से लड़ें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, माधवराव सिंधिया समेत तमाम दिग्गज ग्वालियर सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार उम्मीद है कि महाराज सीट से भाग्य आजमाएंगे। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला रोचक जरूर होगा। सुशील कौशिक, न्यूज 18, ग्वालियर।